उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया। कार्यवाही हंगामे के बीच शुरू हुई। जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना अपनी कुर्सी में बैठे, तभी सपा विधायकों ने पोस्टर और बैनर लहराने शुरू कर दिए। जमकर हंगामा शुरू हो गया। इसी बीच मानसून सत्र के पहले दिन यूपी के उन विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसी क्रम में पूर्व विधायकों अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को भी श्रद्धांजलि दी गई और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सदन में कुछ मिनट तक मौन रखा गया। इस मौन में सीएम योगी समेत तमाम विधायक दल मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री खालिद अजीम उर्फ अशरफ का 15 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 49 वर्ष के थे। श्री खालिद अहमद उर्फ अशरफ का जन्म 3 अप्रैल 1974 को जिला प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री खालिद अजीम उर्फ अशरफ वर्ष 2005 के उप निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र इलाहाबाद पश्चिम जिला प्रयागराज इलाहाबाद से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अतीक अहमद का 15 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 61 वर्ष के थे। श्री अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अतीक अहमद वर्ष 1989, 1991, 1993 में निर्दलीय, 1996 में समाजवादी पार्टी तथा 2002 में अपना दल से निर्वाचन क्षेत्र इलाहाबाद पश्चिमी जिला प्रयागराज इलाहाबाद से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वो विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्य रहे। वर्ष 2004 में लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। विधानसभा के माननीय पूर्व सदस्यों के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा उनके शोक संदिग्ध परिवारों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं सदन में व्यक्त शोक संवेदनाएं मृतकों के शोकाकुल परिवारों को भिजवा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कुछ देर मौन रखें। बता दें कि अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ यूपी विधानसभा के सदस्य रहे। ये दोनों कई बार विधायक रहे। दोनों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों का विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया। ऐसे में परंपरागत रूप से अतीक अहमद और अशरफ का नाम भी श्रद्धांजलि दिए जाने वालों के लिस्ट में शामिल किया गया। वहीं इससे पहले अतीक अहमद को लोकसभा में भी श्रद्धांजलि दी गई थी। आपको बता दें कि ओम बिरला ने पूर्व सांसदों के निधन पर शोक व्यक्त किया था। इसमें अतीक अहमद का नाम भी शामिल था। गौरतलब है कि गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में 15 अप्रैल 2023 की रात को हत्या कर दी गई। पुलिस अतीक अहमद उसके भाई अशरफ अहमद को मेडिकल के लिए लेकर जा रही थी। इसी दौरान उस पर हमला कर दिया गया और गोली लगने से दोनों की मौत हो गई। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक समेत उसके परिवार का नाम आया था। अतीक के बेटे असद और अतीक के गुर्गे को उमेश पाल शूटआउट में गोलियां बरसाते हुए देखा गया।